Hi, welcome to my channel. This video we solve crane question number 1. Construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3.8 cm, BC is equal to 3.4 cm, CD is equal to 4.5 cm, AD is equal to 5 cm and angle B is equal to 80 degree. Means all the four sides of this quadrilateral are given and angle B is also given. It means a total 5 parts are given. Okay, if 5 parts you know, तो आप डेफिनेटली एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है? तो इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रा करने के लिए सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे? मींस यहां पर एक स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, आप किसी भी साइड का यूज करके आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। यहां पर आपको इस एंगल, जो एंगल दिया रहता है, मींस एक ही एंगल दिया हुआ है, इस एक एंगल से एडजेसेंट जो साइड्स होते हैं उनको ही पहले-पहले ड्रा करके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग हमेशा आप जो एंगल रहेगा दिया हुआ उसके साथ जो अटैच्ड साइड्स हैं, मतलब यहां पर है AB और BC, इनसे ही स्टार्ट करेंगे। चलिए हम AB से स्टार्ट करते हैं और कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम अपना क्वाड्रिलेटरल। AB ड्रा करेंगे 3.8 सेंटीमीटर का स्केल के हेल्प से। तो हमने AB ड्रा कर लिया 3.8 सेंटीमीटर। अब यहां पर B पॉइंट पर एंगल बनाएंगे 80 डिग्री यूजिंग दिस। सो हम कंपास को इसके यहां पर लगाएंगे, ये जो पॉइंट है आपको मैं यहां पर जूम करके दिखा सकता हूं, हमें इस पॉइंट को यहां पर बी पर लाना है और एग्जैक्टली जितना अच्छे से अप्लाईएंगे उतना ही अच्छा एंगल बनेगा और सही आपका मेजरमेंट आएगा। ओके, तो हमने यहां पर बी पॉइंट पर इसका ये पोजीशन ले लिया है सेंट्रल पॉइंट। अब क्या करना है कि आपको देखना है कि इधर से इस साइड से 80 डिग्री कितना है। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि साइड किधर है। AB जो साइड है उस पर आप एंगल बना रहे हैं 50 डिग्री, है ना? AB पर बना रहे हैं 50 ना, तो आपको देखना होगा हमेशा AB की तरफ से, मतलब A की तरफ से ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हुए कि कितना 80, कहां पर 80 है। यहां पर इस लाइन पर कहीं एक पॉइंट मार्क कर लेना है, तो मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं। ओके, मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब क्या करना है कि B के डायरेक्शन में ही, इसी डायरेक्शन में आपको एक साइड ड्रा करनी है और वो आपका 3.4 सेंटीमीटर लेंथ का होना चाहिए। मतलब कि B से आप स्केल यूज करेंगे और B के डायरेक्शन में, B और इस पॉइंट के डायरेक्शन में जो कि 80 डिग्री पर हमने मार्क किया है, आप एक लाइन खींचेंगे जिसका लेंथ होना चाहिए 3.4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने 3.4 तक हमने खींच लिया यहां पर। ओके, हमने ड्रा कर लिया है इसके डायरेक्शन में, मींस एंगल बी आपका बन चुका है 80 डिग्री एंगल, यहां पर लिख लेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब ए को सेंटर मान करके आपको जो ये पॉइंट मिला है, एक्चुअली जो ये पॉइंट मिला है यहां पर, वो पॉइंट आपका सी है, ठीक है? ये वाला पॉइंट सी। अब ए को सेंटर मान करके और रेडियस 5 सेंटीमीटर लेकर के एक आर्क खींचेंगे और दूसरा जो आर्क खींचेंगे वो सी को सेंटर मान करके 4.5 सेंटीमीटर के रेडियस लेकर के खींचेंगे और दोनों इंटरसेक्ट करेंगे डी पॉइंट पर। हमने यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रा कर लिया है और इंटरसेक्शन पॉइंट जो यहां मिला है आपको मिल जाएगा डी। यहां पर हम डी नोटिस कर देंगे। अब यहां पर देखिए एडी और सीडी को ज्वाइन कर देंगे। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल वी हैव ड्रॉन। यदि आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया और आप समझ गए कैसे बनाना है इसको, कैसे ड्रा करना है, तो एक लाइक जरूर बनता है। आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा कि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।